नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग प्रेजेंट इमोर्टल्स। मूवी शुरू होती है कि कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया है, बेड़ियों से जकड़ा गया है, मुंह में रॉड डाली गई है, उनके शरीर ऐसे हैं जैसे किसी ने जला दिया हो, अति क्रूर तरीके से उन्हें कैद किया गया है। अब जेल की जाली के उस पार एक चेहरा दिखाई देता है और आवाज़ आती है हिपीरियंस। चेहरे वाला आदमी एक धनुष निकालता है और तीर चलाता है उन कैदियों के ऊपर। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है, तेज प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश चारों ओर महाविस्फोट में बदल जाता है। अब एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मैरी निजुमी। वह अचानक सपने से जाग जाती है और बहुत डरी हुई है, जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा हो। उसके साथ तीन और लड़कियां हैं। अब सारी लड़कियां मैरी रिजुमी से पूछते हैं कि मैरी रिजुमी आपने सपने में क्या देखा। मैरी रिजुमी बोलती है कि टाइटन्स आज़ाद हो गए हैं। एक रिजुमी पूछती है कि किसने किया, तो मैरी रिजुमी बोलते हैं कि राजा हैपीरियन ने, और वो अब प्रार्थना करने लग जाती हैं। दरअसल ये वो लड़कियाँ हैं जिन्हें भगवान का वरदान है कि ये भविष्य देख सकती हैं, इसलिए इन्हें रिजुमी कहा जाता है। और मैरी रिजुमी इसमें सबसे खास है क्योंकि उसके सपने सबसे अधिक सत्य साबित होते हैं। और ये एक कुमारी रिजुमी है और टाइटन्स वे कैदी हैं जिन्हें देवता ने कैद किया है। ये घटना तब की है जब इंसान और जानवरों का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था। तब स्वर्ग में एक महायुद्ध हुआ। मृत्युंजय लोग, जिन्होंने मौत पे विजय हासिल की थी, उन्हें पता चला कि उनके पास ऐसी शक्ति है जिनसे वो एक दूसरे को मार सकते हैं, और इसी युद्ध में एक ऐसा अस्त्र खो गया जिसकी शक्ति अनंत थी, और वो था एप्रस धनुष। जीतने वालों को खुद ने देवता ऐलान किया और हारने वाले इसके बाद टाइटन्स पुकारे गए और उन्हें हमेशा के लिए टार्टरस पर्वत की गुफाओं में कैद किया गया। ये बहुत खूंखार और दैत्य लोग थे। कुछ समय बाद मानवता फैलने लगी और लोग इनको भूल गए, पर वे अमर हैं और अभी भी दफन हैं जिंदा। अब हैपीरियंस को दिखाया जाता है जो कि टाइटन्स को जगाना चाहता है और पूरे लोगों पे विजय हासिल करना चाहता है। अब इन चारों निजुमीज को बताया जाता है जो आपस में बात कर रही होती हैं कि हैपीरियन लौट आया है और मैरी रिजुमी को लेने आ रहा है, क्योंकि मैरी रिजुमी ही एक ऐसी लड़की है जो उस एप्रेस धनुष का पता बता सकती है जो धरती पर ही कहीं छिपा है। अब चारों निजुमीज ये फैसला करती हैं कि उस हिपीरियंस के आने से पहले ही हमें यहाँ से जाना होगा। अब हिपीरियन के सैनिक निजुमीज के महल को घेर लेते हैं और महल के रक्षक उन्हें आगाह करते हैं। हिपीरियन महल में आता है और निजुमी के रक्षकों से बोलता है कि वो चारों निजुमीज कहाँ हैं। निजुमी के रक्षक बोलते हैं कि यहाँ मत आओ, ये पवित्र भूमि है। तब हिपीरियन बोलता है कि पवित्र किसके लिए। हिपीरियन बोलता है कि वो कुमारी निजुमीस मुझे चाहिए। तभी एक रक्षक बोलता है चले जाओ यहाँ से वरना देवताओं का कहर बरसेगा। तब हिपीरियन बोलता है कि देवता, कौन से देवता, पुकारो उन्हें और अपनी जान की भीख मांगो। उस रक्षक को हिपीरियन जिंदा जला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हिपीरियन बोलता है कि मैं देवताओं की हुकूमत ही मिटा दूंगा। अब एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम थीसियस है। वह लकड़ी काट रहा होता है और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो कि थीसियस का गुरु है। वो थीसियस को सबक दे रहा होता है कि तुम कुल्हाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हो, तुम एक योद्धा हो, और केवल अपने दुश्मनों को मार गिराना ही काफ़ी नहीं होता है, ये देखना भी जरूरी होता है कि तुमने तलवार किसके लिए निकाली है। थीसियस बोलता है कि मेरी तलवार केवल उनके लिए निकलती है जो मुझे प्यारे हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है कि वे लोग जो कमजोर हैं, निहत्ते हैं, उनका क्या, उनकी रक्षा कौन करेगा। थीसियस बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो। अब थीसियस की माँ को दिखाया जाता है जो कि देवताओं की पूजा कर रही होती है, जिसे थीसियस सबसे अधिक प्यार करता है। थीसियस की माँ पूजा घर से बाहर आती है और थीसियस से बोलती है कि काश एक दिन तुम भी देवताओं को मानो और दुआ करो मैं मरने से पहले पोते पोतियों को देख सकूं। दरअसल थीसियस देवताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। अब एक आदमी को बड़ा सा घंटा बजाते हुए दिखाई देता है। वह आपातकालीन सूचना देने का घंटा बजा रहा होता है। थीसियस व उसकी माँ सो रहे होते हैं, तभी थीसियस उस घंटे की आवाज़ सुनकर जाग जाता है और अपना भाला उठाता है और कहता है कि माँ यहीं रुकना, मैं आता हूँ। और थीसियस जल्दी जल्दी घर से बाहर आता है जहाँ कई सैनिक आए हुए होते हैं। उनमें से सैनिक प्रमुख सभी गांव वालों को बोलता है कि हमारे सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है कि हिपीरियन वहाँ एप्रस धनुष ढूंढते आ रहा है, हमें तुरंत ही गांव खाली करना होगा नहीं तो वो सबको मार देगा। सैनिक प्रमुख बोलता है कि जो जवान हैं उन्हें आज हम लेकर जाएंगे और जो बूढ़े हैं कमज़ोर हैं उन्हें हम कल लेकर जाएंगे, जाने की तैयारी करो अभी।
तभी वहाँ सैनिक थीसियस के पास आता है और बोलता है कि तुम गलत लोगों के साथ हो, तुम आज नहीं जा रहे हो, तुम कल अपने जैसों के साथ जाओगे, निम्न और अछूत। वह सैनिक थीसियस और उसकी माँ को गाली देता है। थीसियस को गुस्सा आ जाता है और उस सैनिक की दम से पिटाई करता है। तभी वहाँ सेना प्रमुख आता है और थीसियस से उसे छोड़ने का आग्रह करता है। थीसियस एक शर्त पर उस सैनिक को छोड़ता है कि मुझे और मेरे गांव वालों को कल यहाँ से जाना है तो पूरी सुरक्षा दी जाए, तो वो राजी हो जाता है। इसके बाद सेना प्रमुख थीसियस से बोलता है कि तुम बहादुर हो, जांबाज हो और तलवार अच्छी चलाना जानते हो, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो थीसियस बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूं, और वहाँ से वह अपनी माँ के पास चले जाता है। और उस सैनिक को जिसने उसकी माँ को गाली दी थी, सेना प्रमुख उसे सजा देता है और सेना से बाहर निकाल देता है। थीसियस अब अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि तुम भी अपना सामान ले लो, कल यहाँ से निकलना है। थीसियस का गुरु कहता है कि ये सफ़र नौजवानों का है, मेरे जैसे बूढ़ों का नहीं। अगर हेपीरियन सिपाही आएंगे तो कम से कम मौत तो जल्दी आएगी। तो थीसियस बोलता है कि तुम सठिया गए हो। तब थीसियस का गुरु एक और सलाह देता है थीसियस को कि केवल जिंदा रहना ही जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, सही तरीके से जीना जरूरी है। अब थीसियस सोच में पड़ जाता है। अब वो सेना से निकला हुआ सैनिक बगावत करता है और दूसरे अपने साथी सैनिकों को मार देता है। इस बागी सैनिक का नाम लाइसेंडर है। लाइसेंडर बेरहमी से अपने साथी सैनिकों को मारकर वहां से चला जाता है। अब थीसियस के बूढ़े गुरु को दिखाया जाता है जो कि एक देवता प्रमुख है। वह थीसियस के साथ बूढ़ा आदमी बनकर रहता है क्योंकि थीसियस एक नेक इंसान है। वो किसी खतरे से नहीं डरता, ना ही दर्द, हार या शर्म से। वो केवल अपने प्यारे लोगों को बचाने में नाकाम होने से डरता है। देवता अपने साथी देवता को बोलता है कि हेपीरियन से धरती पर कोई लड़ सकता है तो वो केवल थीसियस है। अब वो लाइसेंडर जो कि बागी सैनिक है, वो दुष्ट हेपीरियन के पास चले जाता है, जहाँ हेपीरियन सैनिक लाइसेंडर को हेपीरियन के पास लेकर जाते हैं। हेपीरियन बोलता है कि तुम एक भगोड़े हो, तुम उन लोगों से गद्दारी करके आए हो। और हेपीरियन बोलता है कि मैं किसी गद्दार का क्या करूँगा। तभी हेपीरियन सैनिक एक पुजारी को लेकर आता है। हेपीरियन पूछता है कि बताओ वो कुमारी निजुमी कहाँ है, क्योंकि कुमारी निजुमी ही उस एप्रेस धनुष का पता बता सकती है। वह पुजारी अपनी जवान काट लेता है, पर वह नहीं बताता है कि वह कुमारी निजुमी कहाँ है। पर वह गद्दार बागी सैनिक लाइसेंडर थीसियस के गाँव का पता बताता है और कहता है कि वहाँ बहुत हथियार मिलेंगे, गुलाम मिलेंगे और उस गाँव में बहुत कम सैनिक तैनात हैं। अब थीसियस एक पेड़ को देखकर सोच रहा होता है कि इस पेड़ पर वह तलवार चलाने का अभ्यास कैसे किया करता था, और अपने बूढ़े गुरु को भावुक होकर याद कर रहा होता है। तभी आसमान में एक चील उड़ती दिखाई देती है और थीसियस समझ जाता है कि खतरा आने वाला है। वह गांव की तरफ भागता है और देखता है कि हेपीरियन सैनिक ने पूरा गाँव तहस नहस कर दिया है, गाँव के लोगों को सैनिक कत्ल कर रहे हैं। तभी थीसियस देखता है कि उसकी माँ को भी सैनिकों ने कैद कर लिया है और माँ को उसके मारने वाले हैं। तभी थीसियस सैनिक को मारने लगता है। बड़ा घमासान युद्ध होता है। थीसियस बहुत बहादुरी से सैनिकों से लड़ता है, पर बहुत से सैनिक मिलकर थीसियस को पकड़ लेते हैं। तभी हेपीरियन आता है और थीसियस की माँ का गला काट देता है और कहता है कि ये है नर्क। थीसियस की माँ वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और थीसियस को हेपीरियन बंदी बना लेता है। अब स्वर्ग में देवताओं को दिखाया जाता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हेपीरियन बहुत क्रूर है, वह इंसानों को बिना सोचे समझे काट देता है, मार देता है। हम सब देवताओं को उनकी मदद करनी चाहिए, पर देवताओं के राजा ज्यूस बोलते हैं कि हम इनकी मदद तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो खूंखार टाइटन्स, वो लोग जो टार्टरस पर्वत में दफन हैं, वो आज़ाद नहीं हो जाते। और देवता प्रमुख ज्यूस बोलते हैं कि तुम देवताओं में किसी ने भी इन इंसानों की मदद की तो उसकी सजा केवल मौत होगी। अब थीसियस को दिखाया जाता है जो कि अब हेपीरियन का गुलाम बन चुका है, और उसको बड़े बड़े पत्थर ढोटे दिखाया जाता है। अब कुछ गुलाम एक जगह बैठकर पानी पी रहे हैं, वहीं थीसियस लेटा हुआ है। उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं होती है कि वह पानी पी सके। हेपीरियन जितनी भी कुमारी निजुमीज हैं सभी को बंदी बनाना चालू करता है। इन्हीं बंदी कुमारी निजुमीज में से एक का पेट थीसियस को पड़ता है और उस निजुमीज को दिखाई पड़ता है कि थीसियस ने ही वह एप्रेस धनुष पकड़ा है, पर वह दुष्ट हेपीरियन के साथ है। निजुमी का पैर लगते ही थीसियस जाग जाता है। कुमारी निजुमी बोलती है कि बिन मौसम जब आसमान गरजे, इसका मतलब है कि डटे रहो। और वह निजुमी अपने मुंह में पानी भरकर थीसियस को पिलाती है, जिससे थीसियस में फिर से ताकत आ जाती है। निजुमी थीसियस से कहती है कि मौत को हराना होगा तुम्हें। वो कहती है कि आज रात हमें यहाँ से निकलना होगा। अब रात होती है, सारी निजुमी प्रार्थना कर रही होती हैं।
गुलाम आपस में बात कर रहे होते हैं कि लड़कियों में एक ही कुमारी निजूमी है, केवल वो ही पवित्र और सच्ची है, बाकी सब उसकी असलियत छिपाने के लिए उसके साथ हैं। तभी वहाँ हाइपेरियन सैनिक आते हैं और कई गुलाम सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। तीन निजूमी वहीं रह जाती हैं और उनमें से एक कुमारी और पवित्र निजूमी उन गुलामों के साथ भागने में कामयाब हो जाती है। इनके साथ थीसियस भी है। अब सभी भागे हुए लोग एक ऊंचे पहाड़ पर बैठे हैं जहाँ पे एक तेल की नदी बहती हुई दिखाई देती है। निजूमी बोलती है कि हमें इस नदी को पार करके दूर दिख रहे पहाड़ टार्टरस पर जाना है। सब डर जाते हैं कि तेल की नदी को कैसे पार करेंगे। थोड़ी ही देर में थीसियस निजूमी को बताता है कि मैं लाचार था, मेरे सामने मेरी माँ को मार दिया गया। निजूमी बोलती है कि हम दोनों मायूस हैं, तुम अपने गुजरे हुए कल को लेकर और मैं अपने आने वाले कल को लेकर। अब हिपेरियन को दिखाया जाता है जहां हिपेरियन बची हुई तीन निजूमी से पूछ रहा है कि बताओ तुम में से कौन असली कुमारी निजूमी है। तब एक सैनिक बताता है कि ये तीन नहीं चार निजूमी थी, एक भाग गई। तभी तेल की नदी में एक नाव चलते दिखाई देती है। थीसियस बोलता है कि हम किसी तरह इस नाव को चुरा लेंगे और नदी पार करेंगे। अब थीसियस नाव चुराने जाता है लेकिन वह असफल रहता है। नाव पर जैसे ही वह चढ़ता है उसे चारों ओर से सैनिक घेर लेते हैं। अब एक देवता स्वर्ग से थीसियस की रक्षा के लिए नदी में कूद जाता है जिससे इतनी बड़ी लहर बनती है कि सारे सैनिक मारे जाते हैं। थीसियस निजूमी और उसका एक साथी ही बच पाता है क्योंकि देवताओं की इन पर कृपा है। थीसियस देवताओं को नहीं मानता। निजूमी बोलती है कि तुम्हारी माँ मरी तो क्या उनका पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। थीसियस बोलता है कि नहीं, उनकी लाश वहीं पड़ी है। निजूमी बोलती है कि माँ को पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ देवताओं पर विश्वास करती थी। हमें गाँव जाना होगा। अब थीसियस गाँव पहुँच कर अपनी माँ का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर रहा होता है। वो माँ की लाश को उठाकर एक गुफा में जहाँ पे उसकी माँ पूजा करती थी में लेकर जाता है और गुफा में दफनाता है। जब माँ को दफन कर रहा होता है तो अब एक बड़ा पत्थर माँ की कब्र के सामने रखता है। वह पत्थर इतना बड़ा है कि वह हिल भी नहीं रहा है, तो वह बड़े पत्थर को तोड़ता है। जैसे ही वह बड़े पत्थर को तोड़ता है उसमें एपरस धनुष निकलता है। तभी वहाँ एक खूंखार हिपेरियन सैनिक आ जाता है और थीसियस को मारने की कोशिश करता है। उनके बीच भयंकर लड़ाई होती है पर थीसियस उसका गला काट देता है। थीसियस धनुष और सैनिक का सिर लेकर गुफा से बाहर आता है जहाँ दूसरे सैनिक निजूमी को मारने ही वाले होते हैं कि थीसियस धनुष चलाता है जिसमें अपने से तीर आते हैं और सारे सैनिक मारे जाते हैं। थीसियस बहुत घायल है, निजूमी उसकी देखभाल करती है। निजूमी को थीसियस से प्यार हो जाता है। अब हिपेरियन को दिखाया जाता है जहां वह एक विशाल सेना लेकर खड़ा है। वहां उसका एक गुप्तचर वही गद्दार सैनिक लाइसेंडर उसे बताता है कि यहां एक बांध था, अब इसका उपयोग इंसान छिपने में करते हैं। यहाँ थीसियस और निजूमी बात कर रहे होते हैं कि हमें टार्टरस पर्वत की ओर जाना है। तभी कुछ अलग सी आवाज़ आती है, सभी चौंक जाते हैं। जब वे देखते हैं तो चांदी के बने हुए एक विशाल बैल जिसके नीचे आग जल रही है उसके अंदर हिपेरियन ने निजूमी की तीनों बहनों को जिंदा डाल दिया है। जब बैल की मूर्ति तोड़ी जाती है तो उसकी बहनें मरी हुई बाहर निकलती हैं पूरी भुंजी हुई। तभी हिपेरियन सैनिक वहां आते हैं खूंखार कुत्तों को लेकर, जहां हिपेरियन सैनिक और थीसियस के बीच भयंकर युद्ध होता है। एक कुत्ता थीसियस का एपरस धनुष लेकर हिपेरियन के पास चले जाता है। अब थीसियस अकेला है, निहत्ता है, उसे सैनिक मारने वाले होते हैं। तभी वहां देवता प्रकट होते हैं और सारे सैनिकों को मार देते हैं। पर वहां देवता के राजा जूस आ जाते हैं और उस देवता को जो थीसियस की मदद कर रहा था उसे ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां से वापस आना असंभव है, क्योंकि जब तक टाइटन वे लोग जो गुफाओं में दफन हैं जब तक वे आज़ाद नहीं हो जाते हैं किसी भी इंसान की मदद देवता नहीं कर सकते हैं। अंधकार में जाने से पहले वह देवता थीसियस को घोड़े देकर जाता है कि ये इतनी तेज दौड़ेंगे कि टार्टरस पर्वत तक तुम जल्दी पहुँच जाओगे। अब निजूमी और थीसियस घोड़े पर सवार होकर टार्टरस पर्वत पर पहुंचते हैं जहां और भी बहुत सैनिक होते हैं। ये सैनिक टाइटन की गुफा के बाहर खड़े होकर पहरा देते हैं क्योंकि कोई भी टाइटन्स को आज़ाद न कराने पाए। अब हिपेरियन के पास एपरस धनुष है, वह वही गद्दार सैनिक लाइसेंडर से थीसियस के बारे में पूछता है और थीसियस से मिलने जाता है। थीसियस को बोलता है कि तुम युद्ध होने से पहले हमारी सेना में आ जाओ, मैं तुम्हें सेना प्रमुख बना दूंगा, पर थीसियस मना कर देता है। हिपेरियन बोलता है कि कल मैं टाइटन्स को आज़ाद करा दूंगा और तुम सबको मार दूंगा।
अब निजोमी देवता से प्रार्थना कर रही होती है और प्रार्थना के बाद थीसियस से बोलती है कि तुम्हें अपनी असलियत पहचानना होगा, तुम एक योद्धा हो। अब सुबह होती है और युद्ध होने वाला है। हिपीरियन एप्रस धनुष लेकर आता है और एक तीर चलाता है जहां एक दीवार में बड़ा छेद हो जाता है। हिपीरियन सेना और थीसियस सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। थीसियस अपनी सेना के लोगों में इतना जोश भरता है कि वे आखिरी दम तक लड़ते हैं। बड़ी मारकाट मस्ती है, सभी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। अब हिपीरियन उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां टाइटंस कैद हैं और वह अपना धनुष निकालता है और उन खूंखार टाइटंस को आज़ाद कर देता है। अब टाइटंस आज़ाद हो जाते हैं, तभी वहां देवता आते हैं। टाइटंस के बाहर आते ही बड़ा धमाका होता है जिससे सब उछलकर दूर गिर जाते हैं और हिपीरियन से वो धनुष छूट जाता है। देवता टाइटंस से लड़ते हैं। सारे देवता और खूंखार टाइटंस के बीच भयंकर महायुद्ध होता है जिससे कई देवता मारे जाते हैं। अब अकेले देवता जूस ही बचते हैं और यहाँ हिपीरियन थीसियस को मारने आता है जहाँ हिपीरियन और थीसियस के बीच भयंकर द्वंद्व चल रहा होता है। देवता प्रमुख जूस अकेले पड़ गए हैं, सारे देवता मारे गए हैं। अब वो अपना मुकुट जमीन पर रख देते हैं और बड़ी बड़ी दो मूर्तियों को गिराते हैं। यहाँ थीसियस हिपीरियन को मार देता है। हिपीरियन जब थीसियस की माँ का गला काट रहा होता है तो वह बोलता है, ये है नर्क। अब जब थीसियस हिपीरियन का गला काट रहा होता है तो वो बोलता है कि अब देखो नर्क। लेकिन थीसियस की हालत बहुत ख़राब है, वह बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। यहाँ देवता प्रमुख जूस मूर्तियाँ गिराते हैं जिससे पूरी गुफा टूटने लगती है, सभी टाइटंस मरने लगते हैं। अब देवता प्रमुख जूस वहाँ बेहोश थीसियस को लेकर गायब हो जाते हैं। पूरी पहाड़ी तहस नहस हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, सारे टाइटंस मारे जाते हैं। कुछ साल बाद अब थीसियस की स्टोरी बताई जाती है कि कभी बिना विश्वास के जीने वाला थीसियस इंसानियत के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर गया और देवता बन गया। यह स्टोरी वही बूढ़ा थीसियस का गुरु थीसियस के लड़के को सुना रहा होता है। वह बूढ़ा थीसियस के लड़के को बोलता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, वह बहुत जांबाज था और तुम्हारा भी समय आएगा। और मूवी समाप्त हो जाती है और लास्ट में थीसियस को स्वर्ग में युद्ध करते दिखाया जाता है और मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें इस मूवी से ये जानकारी मिलती है कि हम कितने भी तकलीफ़ में हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यदि मन में लगन है तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं और हमारे पास ताकत है, शक्ति है, तो उसका सदुपयोग कर कमज़ोरों की मदद करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।